नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्सेस मंत्रा 24 और मैं हूं मुन्ना कुमार यादव। आज मैं आपके साथ आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला के इंस्पिरेशनल विचारों को शेयर करूंगा। कुमार मंगलम बिरला का जन्म 14 जून 1967 को हुआ है। कुमार मंगलम बिरला एक भारतीय उद्योगपति और आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष हैं। भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी समूह में एक नाम आदित्य बिरला ग्रुप का है। कुमार मंगलम बिरला 1995 में आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन बने। उस समय उनकी उम्र 28 वर्ष की थी। उनके पिता आदित्य विक्रम बिरला के देहांत होने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। आदित्य बिरला ग्रुप के फोर्थ जेनरेशन के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला हैं। यह मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं और राजस्थान के रहने वाले हैं। आदित्य बिरला ग्रुप का टोटल नेटवर्थ 12.8 बिलियन डॉलर है, अर्थात इंडियन रुपीज में 92,800 करोड़ रुपए हैं। भारत में इनकी कंपनियों में शामिल हैं ग्रासिम, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक सीमेंट, आदित्य बिरला नियो, आइडिया सेल्यूलर, आदित्य बिरला रिटेल आदि, और कनाडा में आदित्य बिरला मिनिक्स और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के वे कुलाधिपति हैं। कुमार मंगलम बिरला विभिन्न नियामक और व्यवसायिक बोर्डों पर कई महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पदों पर प्रतिष्ठित रह चुके हैं और अभी भी हैं। कुमार मंगलम बिरला भारत के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो आइए ऐसे कामयाब और सफल व्यक्ति के इंस्पिरेशनल विचारों को जानते हैं। एक महत्वपूर्ण कारण जो हमें आगे बढ़ाता है वह है कि हम किस तरह के लोगों के साथ काम करते हैं। पहले रोजगार का सृजन करें और फिर लोगों को कौशल प्रदान करें। मुझे लगता है कि मैं जिस सुनहरे नियम के बारे में सोच सकता हूँ वह यह है कि आपको अपने जुनून का पालन करना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपके दिल के करीब हो। और मुझे लगता है कि सफल होने और खुश रहने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा नई सीमाओं की तलाश करना एक अच्छा विचार नहीं है, खासकर जब आपके मौजूदा व्यवसाय में आपके अपने पीछे अवसर हो। काम का माहौल कितना सुखद है यह निर्धारित करने में काम का माहौल बहुत महत्वपूर्ण है। स्मार्ट लोगों के साथ काम करना बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके पास बौद्धिक बैंडविड्थ का बेहतर स्तर है और साथ साथ नॉर्मल कौशल भी है। विफलता घातक नहीं है, यह अपरिहार्य है। यदि आप सफल नहीं होते हैं तो इसका अर्थ हो सकता है कि आप पर्याप्त जोखिम नहीं उठा रहे हैं। हम सब भी असफल हो जाते हैं, हम सब भी गलतियां करते हैं। कुंजी गलती से बेखबर नहीं होना है। जब आप गलती करते हैं तो आपके पास तीन विकल्प होते हैं। आप इनकार में हो सकते हैं, आप इसे अपंग कर सकते हैं या त्रुटि को स्वीकार कर सकते हैं या सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। मुझे लगता है कि एक लीडर को कई भूमिकाएं निभानी होती है। तो आप जानते हैं, एक भूमिका इनक्यूबेटिंग टैलेंट की है और दूसरा एक रणनीति बनाने का। यह एक बहुत ही दिलचस्प कार्य है जो मुझे मिला है। समूह होने के नाते हमारे प्रत्येक व्यवसाय की एक अलग चुनौती है। व्यापार परिदृश्य प्रत्येक व्यवसाय के लिए अलग है, यह इसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचक बनाता है। व्यक्तिगत प्रतिभा ही आपको इतने दूर ले जा सकती है। व्यवसाय से लेकर गतिविधि के किसी भी अन्य क्षेत्र में टीम वर्क ही सफलता की कुंजी है। अभी आप देख रहे थे आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला के इंस्पिरेशनल विचारों को। उम्मीद करता हूँ आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।